नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। दिन हो या रात, हर वक्त आपके साथ, ईमानदार जुझारू, नेक दिल लगनशील, कर्मठ गरीबों के मसीहा गजराज सिंह लोधी। जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 9 चुनाव चिन्ह आरी पर मुहर लगाकर इन्हें भारी मतों से विजयी बनाए। जन जन की यही पुकार, रेशमा परवीन अब की बार, इस बार विकास की बहेगी गंगा। कर्मठ, शिक्षित, ईमानदार युवा प्रत्याशी रेशमा परवीन, पत्नी मशकून अब्बासी, जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 16 चुनाव चिन्ह केतली पर मुहर लगाकर उन्हें भारी मतों से विजयी बनाए। खास कार्यक्रम कौन बनेगा सरपंच में खास बातचीत, एडिटर इन चीफ वसीम अहमद सिद्दीकी की। वार्ड नंबर 9 जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस और प्रगतिशील समाजवादी लोहिया समर्थित प्रत्याशी फेमीदा खातून के पुत्र मोहम्मद सादिक और सहयोगी प्रशांत वाल्मीकि से क्षेत्र में विकास को लेकर क्या कहा और भाजपा पर क्यों साधा निशाना, देख लें इस खास खबर में। ब्यूरो रिपोर्ट भारत रफ्तार न्यूज। करते हैं वार्ड नंबर 9 जिला पंचायत सदस्य फेमीदा खातून के पुत्र सादिक अली से क्या कुछ राजनीतिक मुद्दे लेकर ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। सादिक जी, सबसे पहले मेरा सवाल है, जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, पहले मैं आपका बैकग्राउंड जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका, कितना एजुकेशन है और क्या कुछ समाज सेवा से आप ताल्लुक रखते हैं, क्या राजनीति से ताल्लुक रखते हैं? मेरा नाम मोहम्मद सादिक है, मैं मलिया गाँव से हूँ और क्वालिफिकेशन मेरी जो है इंटर तक है और मैं एक समाज सेवी हूँ। पिछले तकरीबन 10 साल से हम लोग ब्लड डोनेट वगैरह और तहसील वगैरह के काम लोगों के कराते आए हैं और भी जैसे हॉस्पिटल में जैसे लोगों की मदद करनी होती है तो उसमें भी मतलब हम लोग सक्षम है, मतलब इतना कि लोगों की मदद करते आए हैं। और इस बार जो हम उतरे हैं यहाँ पे के चुनाव के लिए के लोग, इससे पहले आपने कोई चुनाव लड़ा क्या? नहीं नहीं, उससे पहले तो पहला चुनाव है जी मेरा। क्या सोच कर आप राजनीति में उतरे हैं? बस मुझे शौक है लोगों की खिदमत करने का, बस यही सोच के मैं उतरा हूँ विकास के नाम पे, कि विकास कराना है। क्योंकि जो प्रत्याशी जीत कर चले जाते हैं और 5-5 साल 3-3 साल क्षेत्र में आते ही नहीं कहीं भी, तो आज तो आप खुद प्रत्याशी बन गए। हाँ। कहीं आप तो ऐसा नहीं करोगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं तो इसीलिए जनता के बीच में रह के ही काम करना चाहता हूँ। मुझे बचपन से ही मुझे क्या लगता है कि वार्डों में किस तरह का विकास होना चाहिए? नालियाँ साफ होनी चाहिए और जो जहाँ खरंजे काफ़ी टाइम से नहीं बने हैं वहाँ सीसी रोड होने चाहिए। और मेरी योजनाओं में जितना भी काम होगा जैसे टॉयलेट वगैरह हैं सब, मतलब मैं पूरा टोटल विकास ही कराऊंगा। विकास के ही नाम पे मतलब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और विकास के ही नाम पे मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप अब मुझे भारी मतों से जिता के भेजें। विकास करोगी भी या खाली चुनावी पुलाव पका कर जनता को रिझाने काम कर रहे? नहीं नहीं, विकास ही करूँगा मैं, मुझे हाँ विकास ही करूँगा मैं। विकास के ही नाम पे मतलब लोगों से वोट भी मांग रहा हूँ कि ताकि मैं मुझे जो है मतलब आगे खिदमत करने का, जनता के बीच में रहने का मौका मिल सके। कौन कौन सी पार्टी से आप समर्पित चुनाव लड़ रहे हैं? मैं कांग्रेस और प्रसपा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में मैं प्रदेश सचिव हूँ, उत्तर प्रदेश सचिव हूँ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में। और तो कांग्रेस के कार्यकर्ता आपका साथ दे रहे हैं? हाँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता मेरा साथ दे रहे हैं। जिस प्रकार से इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, भाजपा से जिला पंचायत रहनु भी हैं, वहाँ पर दोबारा फिर वही इलेक्शन लड़ रही है, वहाँ पर एक और चेहरा सामने नया आया है जो गजराज सिंह लोधी का, और उधर जो है वहाँ पर रावण की पार्टी से भी है एक प्रीतम सिंह जो है उनकी भांजी रेखा इलेक्शन लड़ रही है, इन सारे जो मजबूत प्रत्याशी हैं इनसे किस तरह का मुकाबला आप कर पाओगे? मुकाबला तो चल ही रहा है मेरा, इनसे किस तरह का क्या, मैं तो विकास के नाम पे काम कर रहा हूँ। लोगों ने मुझसे जो मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो लोग मुझे जानते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, लोगों का मुझे बहुत प्यार मिल रहा है क्योंकि उन्होंने मेरे बारे में जैसे इंक्वायरी की, बातचीत मतलब पता किया तो उन्हें पता लगा कि मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और कि भाई ये लड़का काम कर सकता है क्योंकि मैंने लोगों के काम कराए हैं। तो कहीं ना कहीं आदमी को पता लग जाता है, ये मैसेज पहुँच जाता है कि जो काम कराने वाला होता है, काम जो करा रहा होता है। जीतने के बाद जनता को क्या सौगात देंगे आप, क्या क्या विकास कार्य कराएंगे? यही जहाँ पे मतलब जो भी मेरे निधि में आएगा वो सारे काम कराऊंगा मैं। सारा लगा दोगे उसमें? सारा कुछ अपने लिए बचाओगे? नहीं, नहीं, सारा पैसा उसी में लगेगा, जनता पे लगाऊंगा सारा। ये थे हमारे साथ
वार्ड नंबर 9 जिला पंचायत सदस्य फहमीदा खातून के पुत्र सादिक अली, इन्होंने अपने भोले वाले अंदाज में एक सादगी के साथ सच्चाई बयां की, क्योंकि ये नेता नहीं तो झूठे वादे करते हैं। इनसे लड़कपन वाली जबान में इन्होंने जो कुछ बताया वो सच बयां कर रहे थे। इनका कहना यह है कि मेरी निधि में जो भी बजट आएगा वो मैं जनता की सेवा के लिए अपने क्षेत्र में लगाऊंगा। मैं अपने सहयोगी राशिद खान के साथ वसीम सिद्दीकी, भारत रफ्तार न्यूज़। पंचायत चुनाव का माहौल है, सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारत रफ्तार न्यूज चैनल पे खास प्रोग्राम चल रहा है, कौन बनेगा सरपंच। आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 9 से जिला पंचायत सदस्य हमारे यहाँ मौजूद है, साथ में मौजूद है सादिक खान। सादिक जी से बात करेंगे और उनके साथ में एक सहयोगी है प्रशांत वाल्मीकि, काफी पुराने नेता भी है और अनुभव भी है और इनके सहपाठी इनके दोस्त भी हैं। अब हम जानेंगे क्या किन किन मुद्दों को, किन किन वादों को लेकर ये चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा प्रशांत वाल्मीकि जी से। प्रशांत वाल्मीकि जी, मेरा एक सवाल है कि इस बार जो आप वार्ड नंबर 9 में चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या क्या मुद्दे आपके होंगे? ऐसा है, मैं राष्ट्रीय पार्टी जो हमारी कांग्रेस पार्टी है उनसे इनकी माता जी का टिकट हुआ है फहमीदा खातून, और प्रसपा पार्टी से समर्थन है। आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि आप ऐसे कैंडिडेट को, व्यक्ति को वोट दीजिए जो विकास की बात करे, विकास का काम करे, सड़क, खरंजा, नाली, लाइट लगाने की बात करे, लोगों के बीच में रहने की बात करे। प्रशांत जी, बात तो सभी नेता करते हैं विकास की, सभी लोग वादे करते हैं, लेकिन तुम्हारे खास प्रत्याशी के अंदर खास बात क्या है? हमारे प्रत्याशी के अंदर बात यह है कि वो राजनीति जो है लोगों के बीच में रह के करते हैं। दरअसल वो एक सोशल वर्कर हैं, पिछले 10 सालों से सोशल वर्किंग का उनका काम है, लोगों को रक्तदान, ब्लड डोनेशन फ्री में कराना, लोगों के लिए मदद करना, अस्पताल में मदद करना, कलेक्टर लेवल पे, पुलिस थानों के लेवल पे, तहसील के लेवल पर इन्होंने जो है लोगों के काम कराने के काम करे हैं, और उसी को ही आगे बढ़ावा देते हुए जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में ये उतरे हैं। और इन्होंने जो है ये जो धन संकल्प लिया है लोगों की सेवा करने के लिए लिया है। आपको लगता है कि सादिक जी इन बातों पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल खरे उतरेंगे, क्योंकि किस तरह लगता है? इसलिए लगता है कि पिछले 10 साल से ये मेरे साथ समाज सेवा के रूप में जुड़े हुए हैं, और इन्होंने बहुत सा, तो इनके जो है बाई ब्लड इनके पैतृक उसमें खून में रहा है। अब जो ये वार्ड नंबर 9 है, वार्ड नंबर 9 की जनता से मैं सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा, अगर विकास का काम कराना है तो मोहम्मद सादिक जो कांग्रेस प्रसपा पार्टी से समर्थित कैंडिडेट हैं, इनकी माताजी को जो है आप वोट दें, और इनका चुनाव चिन्ह है कप प्लेट। हमारा ये कहना है कि कहीं भी जहां अम्बेडकर पार्क हो, जहां पर उनका सन्यासन होना हो, कहीं पे जैसे जो है संग्रहालय खुलना हो बाबा साहब का, कहीं मुस्लिम भाइयों में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, पूरी कांग्रेस इन्हें लड़ा रही है और जगह जगह गाँव में जा रही है, सभी बिरादरियों में हमारा आना जाना है। दरअसल एक जो राजनीति इस समय चल रही है जाति बिरादरी हिंदू मुस्लिम, हम कांग्रेसी और जो प्रसपा पार्टी के लोग हैं वो इससे हटकर काम करने का काम कर रहे हैं। और कौन लोग कर रहे हैं जो जाति मजहब की राजनीति कर रहे हैं? भाई आपको बाखूबी पता है भारतीय जनता पार्टी, मुझे तो बता लेकिन मैं जनता को आपके मुंह से सुना। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जाति बिरादरी की राजनीति करती है, मजहब की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करती है। चुनाव में सभी दलित भाई जो है वो हिंदू हो जाते हैं और चुनाव के बाद वो जो है फिर वो छोटी जाति में तब्दील हो जाते हैं। मैं भी वाल्मीकि बिरादरी से हूँ, मेरे सभी जाटव और वाल्मीकि भाइयों से, दलित भाइयों से निवेदन है वार्ड नंबर 9 में कांग्रेस के प्रत्याशी कप प्लेट के निशान पर वोट दें और विकास को आगे बढ़ाने का काम करें। जिस तरह किसान आंदोलन चल रहा है और किसान जो है इस बार धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई भी मांग मांगने को तैयार नहीं है, इसका भी इफेक्ट गाँव के लोगों पर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए अगर किसान परेशान होगा तो हिंदुस्तान की 1.25 करोड़ जनता परेशान होगी। अगर किसान को उसकी फसल का किसान तो परेशान हो रहा है बॉर्डर पर पड़ा, लेकिन सरकार क्यों नहीं सुन रही उनकी? देखिए
सरकार जो है वो हठधर्मी पे आमादा है। चंद उद्योगपति के चक्कर में फंसकर उन्होंने जो है तमाम किसानों का सौदा कर दिया है, उनकी धरतियों का सौदा कर दिया है। जो ये तीन काले कानून लेकर आई है ये सरासर जो है एक फांसी की तरह है किसान के लिए। उनकी धरती छीनने का काम जो है सरकार कर रही है। मैं चाहता हूँ, किसान की कोई बिरादरी नहीं है, किसान किसी भी रूप में है वो किसान है। किसान से ज़्यादा मेहनती गांव के अंदर कोई नहीं है, इस देश के अंदर कोई नहीं है। अगर जो पार्टी किसान के विरोधी है उस पार्टी के विरोध में सबको एकजुट उतरना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई विकल्प इस पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। और वार्ड नंबर 9 में मुझे पूरी आशा है कि किसान के नाम पर अगर वोट अगर किसी पार्टी को मिलेगी तो वो कांग्रेस पार्टी को मिलेगी, कप प्लेट के निशान पर मिलेगी। और कप प्लेट के जो हमारे प्रत्याशी हैं फहमिदा, उनको जो है नंबर 1 जीत हासिल होगी। ये थे हमारे साथ प्रशांत वाल्मीकि, जो कांग्रेस पार्टी से काफ़ी बड़ा ताल्लुक रखते हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं। अब मैं आपको रूबरू कराऊंगा, आपका इंतज़ार ख़त्म कराऊंगा उस प्रत्याशी से जो यहाँ पर वार्ड नंबर 9 से जिला पंचायत यहाँ इलेक्शन लड़ रही है, फहमिदा खातून। मैं उनके बेटे सादिक अली से बात कराऊंगा। हमने ये ठाना है क्षेत्र को स्मार्ट बनाना है, सबका साथ सबका विकास, गरीब मजलूम बेसहारा की आवाज मेरी पहली प्राथमिकता। जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 9 बुलंदशहर, वीर गतिशील समाजवादी लोकिया और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी फहमिदा खातून वालिदा मोहम्मद सादिक को अपना कीमती वोट देकर विजय बनाए। जन जन की यही पुकार, इसरार चौहान अब की बार। इसरार चौहान प्रधान पद के उम्मीदवार, गांव आसिफाबाद चंदपुरा को किताब के सामने वाला बटन दबाकर विजय बनाए। पीलीभीत पूरनपुर देहात क्षेत्र से प्रधान पद की शिक्षित ईमानदार महिला प्रत्याशी निशा रिफाकत को चुनाव चिन्ह कैमरा पर मुहर लगाकर विजय बनाए। जन जन की यही पुकार, हसमुद्दीन खान अब की बार। हसमुद्दीन खान जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 5 भाजपा प्रत्याशी निवासी मकरंदपुर पूरनपुर पीलीभीत को अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें, और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।